नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HFF अड्डा में। दोस्तों मैं हूं जया। खबर ऐसी जिसको सुनकर आप इमोशनल हो जाएंगे। दोस्तों खबर है पंचकुला की। जी हाँ दोस्तों, पंचकुला में एक बुजुर्ग रहते हैं जो कि अकेले रहते हैं, जिनका नाम है करणपुरी। उनके बच्चे विदेश में रहते हैं। दोस्तों उनका 71वां जन्मदिन होता है। आप तो जानते हैं कोरोना की वजह से कोई एक दूसरे से मिल नहीं सकता। ऐसे में दोस्तों उनके मित्र और रिश्तेदार भी उनसे नहीं मिल सकते। इसी को देखते हुए किसी एक रिश्तेदार ने पुलिस से रिक्वेस्ट की, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उनके जन्मदिन पर आप जाकर उनके साथ एक छोटा सा सेलिब्रेशन करें, जिससे उनको अच्छा लगेगा क्योंकि वो अकेले रहते हैं और काफी अकेला फील कर रहे हैं। दोस्तों पुलिस ने इसको अपनी ड्यूटी से हटते हुए इसे पर्सनल लिया। दोस्तों पुलिस अचानक उनके जन्मदिन के दिन सुबह सुबह उनके घर पहुंच जाती, जिसको देखकर करणपुरी काफी डर जाते हैं। उनको लगा कि कोई बुरी खबर तो नहीं, क्योंकि उनके बच्चे भी विदेश में रहते हैं। वो डरते हुए धीरे धीरे पुलिस वालों के पास आते हैं। पुलिस वाले उनसे उनका नाम पूछते हैं। जैसे ही वो अपना नाम बताते हैं, पुलिस उनको केक का सरप्राइज देती है, जिसको देखकर वो काफी इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, मेरा नाम करणपुरी है। मैं अकेला रहता हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। सुन लिख लो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो सर केक काटिए। अब आपको क्या ऑफर करना मेरा बच्चे भाग रहे हैं। कोई बात ना सर, आपकी फैमिली हम भी, ऐसी बात थोड़ी है। तभी तो आपके बच्चे हैं सर, आपके बच्चे। अंकल जी कोई नहीं, आइए अंकल, प्लीज आइए। केक कटिंग करो, कैप कैप लगा के। कोई बात ना अंकल जी, कोई बात ना। वाकई में दोस्तों ये एक इमोशनल स्टोरी थी। दोस्तों आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जाकर जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।